So what's up MM family, welcome back to another episode of MMT. और आज हम बात करने वाले हैं Windows Original और Windows Cloud Version के कुछ advantage और disadvantages के बारे में। तो बिना देरी करे चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें एक platform provide करता है जहाँ पर हम अपने बाकी ऐप्स इस पर रख सकते हैं। वो इसके बहुत सारे वैराइटीज होते हैं अकॉर्डिंग टू डिवाइसेस, लाइक मोबाइल में जैसे एंड्रॉइड और iOS में, वैसे ही कंप्यूटर के लिए विंडोज है, लिनक्स है और मैक है। और कई लोग इन्हें खरीदते हैं और कुछ इन्हें फ्री में पायरेट कर लेते हैं। मैं आज आपको बताने वाला हूँ विंडोज क्रैक और ओरिजिनल में डिफरेंस क्या है। तो फर्स्ट डिफरेंस आता है कॉस्ट के बारे में। अगर आप क्रैक वर्जन यूज करते हैं तो वो आपको पूरी तरह से फ्री मिलेगी, और दूसरे साइड अगर आप विंडोज परचेस करते हैं तो वो तो थोड़ा आपको महंगा पड़ेगा, और अगर आप मल्टीपल पीसीज यूज़ करते हैं तो आपका खर्चा तो और भी बढ़ जाएगा। दूसरा पॉइंट आता है सिक्योरिटी के बारे में। अगर आप क्रैक वर्जन यूज़ करते हैं तो आपका ज़्यादा रिस्क है मैलवेयर और स्पाइवेयर होने का, क्योंकि इस ज़माने में तो कोई कुछ फ्री नहीं देता है और आपको ये तो पूरी तरह से फ्री नहीं मिल रहा है। और दूसरे साइड अगर आप देखें तो विंडोज तो पेड है लेकिन उसकी सिक्योरिटी भी बहुत टाइट है और आपको कोई इस सब चीज़ का खतरा नहीं है। तीसरा पॉइंट ये है आता है कि अगर आप क्रैक वर्जन यूज़ करते हैं तो इसके 100% चांसेस है कि आप अपना ओएस कभी अपडेट नहीं कर पाएंगे, और इसके वजह से आप एक कुछ आप काम करना भी बंद कर सकते हैं। फिर भी अगर आप ज़ोर ज़बरदस्ती से अपडेट करवाना चाहे तो आपका पीसी नहीं चलेगा, क्योंकि विंडोज आपको पकड़ लेगा वहाँ पर और आपका पीसी वहाँ पर फ्रीज कर देगा। और दूसरे साइड अगर आप ओरिजिनल वर्जन यूज़ करते हैं तो ये सब चीज़ों का कोई खतरा नहीं, आप बिंदास अपना पीसी यूज़ कर सकते हैं।